नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं अरेरा शहर की न्यू अपडेट के बारे में जो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से निकल के आई है। अरेरा शहर की न्यू अपडेट निकल के आई है, अरेरा शहर इम्पोर्टेंट अपडेट ऑन गवर्नमेंट 45 करोड़ रुपए फंड रेजिंग के लिए हरी झंडी सरकार की तरफ से मिल गई है। अरेरा को QIP के जरिए 4500 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी, सरकार बेचेगी अपना 7% की हिस्सेदारी। जुलाई 2024 में 310 रुपये के अपने ऑल टाइम हाई से अरेरा के शेयर में लगभग 27% की गिरावट आ गई है। फिर भी ये शेयर नवंबर 2023 में अपने IPO प्राइस 32 रुपये प्रति शेयर से 7 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। भारत सरकार के पास अरेरा में 75% इक्विटी की हिस्सेदारी है। अरेरा को QIP के जरिए फंड जुटाने के लिए DIMAP से मंजूरी मिल गई है। अरेरा को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP के जरिए फंड जुटाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM से मंजूरी मिल गई। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी यानी अरेरा फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करके 4500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इस बीच कंपनी के शेयर में आज 18 सितंबर को 0.11% की मामूली गिरावट देखी गई है। यह स्टॉक BSE पर 227.50 रुपये के भाव पर बंद हुई है। कंपनी का मार्केट कैप 146 करोड़ रुपये का है। अरेरा शेयर हाई लेवल कमेटी की सिफारिश के आधार पर अल्टरनेट मैकेजीनिंग द्वारा मंजूरी दी गई है। इस फंड जुटाने के चलते अरेरा में सरकार की हिस्सेदारी कंपनी की पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी के 7% तक कम हो जाएगी। बता दें कि अरेरा के MD और चेयरमैन प्रदीप कुमार दास ने हाल में ही मनी कंट्रोल को खास बातचीत में बताया है कि उन्हें उम्मीद है कि कंपनी में हिस्सेदारी कम करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। अरेरा शेयर का फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आइए जानते हैं स्टॉक ने अपने शेयर होल्डरों को कितने परसेंट का रिटर्न 1 ईयर में दिया है। चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हो कि 1 ईयर में अरेरा शेयर ने अपने शेयर होल्डरों को 291% का रिटर्न 1 ईयर में दिया। अरेरा शेयर का मिड कैप साइज की कंपनी है और ये फाइनेंस का काम करती है। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप इसका 6279 करोड़ रुपए का, करेंट प्राइस की बात करते हैं तो 234 रुपए का हाई इसने बनाया है 310 का और लो बनाया इसने 50 रुपए का। यदि स्टॉक पी की बात करते हैं तो स्टॉक पी इसका 46.8 का है और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू इसकी 31.8। कंपनी डिविडेंड हील बिल्कुल भी नहीं देती है, 0 है डिविडेंड हील। ROC है इसका 9.30% का, ROE है इसकी 17.3% की और फेस वैल्यू है इसकी 10 रुपये की। अरेरा शेयर होल्डिंग पैटर्न, सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर की। प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर 2023 में 75% की थी, मार्च क्वार्टर में 2024 में 75% की और जून क्वार्टर 2024 में 75% की है। अब बात करते हैं FI की होल्डिंग 1.88% की है और मार्च 2024 के क्वार्टर में 1.36% की और जून क्वार्टर 2024 में बढ़कर 2.70% की हो गई है। DI की होल्डिंग दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 4.37% की थी और मार्च 2000 के क्वार्टर में 0.94% की और जून क्वार्टर 2024 में 0.42% की होल्डिंग है। DI अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम कर रहा है। अब बात करते हैं पब्लिक की होल्डिंग दिसंबर 2023 में 18.75% की थी, मार्च क्वार्टर में 22.70% की थी और जून क्वार्टर में 21.87% की हो गई। मोटा मोटा बात करते हैं तो FI लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है।
अरीरा शेयर की। यदि आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो, आपको लगता है ये न्यूज आप शेयर करनी चाहिए, तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि किसी भी स्टॉक की अगर कोई नई अपडेट आती तो जब तक किसी को उस अपडेट के बारे में जानकारी नहीं होगी तो वो स्टॉक में बाय सेल करेगा, तो उसको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकती है। तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हर एक व्यक्ति को शेयर मार्केट की और स्टॉक की नॉलेज हो सके। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।